हाँ रुको रुको, तो हम लोग ये बात कर लिए थे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसका वेव फंक्शन साई ए था और साई बी था। तो साई दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा था, एक बीएमओ, दैट वन इज साई ए प्लस साई बी, और दूसरा साई ए बीएमओ, दैट वन इज साई ए माइनस साई बी। हम लोग बोले थे कि पहला डिस्कस करेंगे दैट वन इज बीएमओ के बारे में, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स के बारे में। तो ये कैसे फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या हम बोले थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सिंपली आप ऐसे समझो, दैट इज एडिशन, दैट इज एडिशनल ओवर, एडिशन ओवरलैपिंग लिखा या पॉजिटिव ओवरलैपिंग लिखाए थे। हाँ पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो इसमें क्या होगा, देखो एक वेव फंक्शन ऐसा है कुछ, दैट वन इज ये साई ए है, एक बार ए का एटॉमिक ऑर्बिटल्स ए का वेव फंक्शंस, इसी तरह एटॉमिक ऑर्बिटल्स बी का वेव फंक्शंस ऐसा है, ये एम्पलीट्यूड है कुछ, दिस इज द साई बी, ये साई ए और ये साई बी, ये दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एडिशन कर रहे हैं, तो ये क्या फॉर्म होगा? ये जो देख रहे हो ना, अगर इन दोनों को मिला देंगे तो ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो और बढ़ जाएगा, ये दोनों ऐड कर रहे हैं ना, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होने वाला है वो और ज्यादा होगा, रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा। देखिए ये जो देख रहे हो, दिस वन इज साई बीएमओ बोलेंगे इसको, दैट इज सिंपली द साई ए प्लस साई बी। इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखिएगा, एक एक करके लिखिए। पहला पॉइंट, कहाँ गया, इसको ओपन कीजिए, हाँ तो इसका करेक्टरिस्टिक्स लिखिए। पहला करेक्टरिस्टिक्स हैज, इट हैज लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी, इट हैज लोअर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो ये कॉरस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनसे इसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा, इसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू दीज टू। दूसरा पॉइंट देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा ना, इसमें देखोगे आगे हम डायग्राम बनाकर भी दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियाई के बीच में बढ़ जाएगा, इससे क्या होता है इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो इसमें सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस बिटवीन द रीजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, बिटवीन द रीजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, बिटवीन द रीजन ऑफ टू न्यूक्लियाई विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी।
सेकेंड पॉइंट हो गया, ये ज्यादा स्टेबल होता है। हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बीएमओ, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बीएमओ, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बीएमओ, बीएमओ लीड्स टू अट्रैक्शंस, अट्रैक्शंस लीड्स टू अट्रैक्शंस बिटवीन द टू एटम, ये देखोगे मैं डायग्राम बनाकर आपको दिखाऊंगा, उसमें ये सब पॉइंट्स है ना जो क्लियरिफाइड हो जाएगा। बीएमओ का जब हम डायग्राम बनाएंगे कुछ देर के बाद, तो इसमें ये भी पॉइंट आपको समझ में आएगा और ये भी पॉइंट समझ में आएगा। अभी के लिए छोड़ दे, लिख कर छोड़ दे आप इसमें। नेक्स्ट पॉइंट और लिख ले इसमें, इट मे और मे नॉट हैव नोड, इट मे और मे नॉट हैव नोड, नोडल प्लेन लिख ले, नोडल प्लेन। ये नोडल प्लेन क्या होता है मैं बता चुका हूं, एक ऐसा रीजन्स जहां पर एक ऐसा प्लेन पासिंग थ्रू न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम, दैट इज द नोडल प्लेन। तो ये देखोगे बीएमओ में क्या होगा, ये आपका नोडल प्लेन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। नाउ कमिंग टूवर्ड द एबीएमओ, एबीएमओ सेकेंड वन इज एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। इसमें लिख लीजिए पहला पॉइंट, इट इज फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हो निगेटिव ओवरलैपिंग, निगेटिव ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। जैसे देखो एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो वेव फंक्शंस है ऐसा है कुछ, दिस वन इज साई ए, जो साई ए है। देखो यहां पर हम सबस्ट्रक्शंस करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सबस्ट्रक्शंस करना पड़ेगा। ये दूसरा वेव फंक्शंस दैट इज साई बी, जब इन दोनों को सबस्ट्रक्शंस करोगे तो रिजल्टेंट वेव फंक्शंस कुछ ऐसा दिखेगा, रिजल्टेंट वेव फंक्शंस का जो एम्पलीट्यूड होगा और कम जाएगा, ऐसा कुछ, ये घट गया। और ये जो देख रहे हो दिस वन इज साई ए बी एम ओ, दैट वन इज साई ए माइनस साई बी, वहां पर एडिशन हो रहा था, यहां पर सब्सट्रैक्शंस हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, निगेटिव ओवरलैपिंग हुआ, इसलिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और कम गया। इसमें भी करैक्टेरिस्टिक्स लिखे आप, इट हैज हायर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरा लिखे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस बिटवीन द रीजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, बिटवीन द रीजन ऑफ टू न्यूक्लियाई विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेस स्टेबिलिटी। इसमें क्या हो रहा है, ये जो फाइनल मॉलिकुलर एबीएमओ बन रहा है, देखोगे दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम गया है, डिक्रीज कर गया है, इसलिए क्या हो रहा है ये लेस स्टेबल है, बट जो बीएमओ था वो ज्यादा स्टेबल था। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एबीएमओ लीड्स टू रिपल्सन्स, रिपल्सन अट्रैक्शंस नहीं, रिपल्सन्स, रिपल्सन्स बिटवीन द टू एटम या न्यूक्लियाई, ब्रैकेट में न्यूक्लियाई भी लिख लें आप, लीड्स टू रिपल्सन्स बिटवीन टू एटम, एटम मीन्स न्यूक्लियाई। नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, इट हैव नोडल प्लेन,
इसमें नोडल प्लेन जरूर होगा, इट हैव नोडल प्लेन। एबीएमओ में देखोगे नोडल प्लेन जरूर होगा। उसके बाद लिखे नेक्स्ट टॉपिक जो है ये खत्म हुआ। एबीएमओ क्या होता है, बीएमओ क्या होता है, एबीएमओ के बारे में जानकारी थोड़ा दे दिए, बीएमओ के बारे में भी जानकारी दे दिए। ये सब पॉइंट्स जो है धीरे धीरे आपको और समझ में आएगा जब आप डायग्राम बनाओगे। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक लिखे दैट वन इज कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कंडीशंस, रुक जाओ, लिख रहे हैं। लिखिए कंडीशंस फॉर कॉम्बिनेशंस ऑफ, कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशंस ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक, कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसमें बेसिकली तीन पॉइंट आपके एनसीईआरटी में बुक में दिया हुआ है, इन तीनों पॉइंट को समझते हैं। कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, पहला पॉइंट लिखे कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव सेम और नियर बाय सेम एनर्जी, नियर बाय सेम एनर्जी। ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूं पहले लिख ले, उसके बाद समझाता हूं मैं। जैसे हमको पता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाता है, तो इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे ना, उन दोनों का एनर्जी जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। जैसे 1s का एनर्जी, 1s का एनर्जी सेम है, तो ये दोनों आपस में कंबाइन कर टू न्यू मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि 1s 2s के साथ कंबाइन हो रहा है, ये नहीं होगा, ये होगा ये नहीं होगा, क्योंकि 1s और 2s के बीच एनर्जी में डिफरेंस है। तो आप ये क्या लिखे नियर बाय सेम एनर्जी, इसका क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा समझाएं। तो उसको इसलिए, इसको मैं इसलिए लिखा हूं, इसको समझे आप, क्योंकि हम लोग के पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर मैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करूं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करूं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आप समझते हो, जैसे इसका एग्जाम्पल H2 है, O2 है, N2 है, ये सब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। तो अगर मैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन की बात करूं, तो हाइड्रोजन में क्या है, ये H2 में दो हाइड्रोजन के एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं। जब ये कंबाइन करेंगे, हाइड्रोजन का 1s में जो एक इलेक्ट्रॉन्स है और हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के 1s में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों आपस में कंबाइन कर टू न्यू मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे। और हम लोग जानते हैं 1s और 1s का एनर्जी सेम है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव सेम एनर्जी। इसी तरह दूसरा देखो, दूसरा तरह का जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट वन इज हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे इसका एग्जांपल देता हूं, कुछ सीओ हो गया, एनओ हो गया, एनओ प्लस हो गया, बहुत सारा एग्जांपल्स है और डॉट 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 बताएंगे। तो अभी यहां पर सीओ में देखें, ये सीओ मॉलिक्यूल जो आपको दिख रहा है, इसमें क्या है देखो, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हुआ होगा। तो यहां पर देखो, अगर इसमें मान लो कि कार्बन का 1s और इस ऑक्सीजन का 1s आपस में कंबाइन किया, तो देखो ये कार्बन का 1s और हाइड्रोजन का जो ऑक्सीजन का जो 1s है, इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, नियर बाय सेम होगा इन दोनों का। जैसे देखो यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का 1s 1s जो देख रहे होते, इन दोनों का एनर्जी क्या था, सेम था। बट यहां पर क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन का जो 1s, कार्बन का 1s ऑक्सीजन का 1s जो कंबाइन करेगा, इन दोनों का एनर्जी में थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए मैं ये टर्म लिखा हूं नियर बाय सेम एनर्जी। बट तब पर भी ये क्या करेंगे, ये दोनों आपस में कंबाइन करके मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, क्योंकि इन दोनों का एनर्जी में स्लाइट डिफरेंस है।
तो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते, बट ऐसा कभी नहीं होगा। 1s किसी का, 2s किसी का, कंबाइन कर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना ले। अगर 1s है तो दूसरे का 1s भी होगा, सेम एटम का भी हो सकता है, डिफरेंट एटम का भी हो सकता है। अगर इसका 2s है तो इसका भी 2s के साथ कंबाइन कर सकता है। इन दोनों के 2s में 2s के एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? ज्यादा नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होगा कि इसका मैं 2s लूंगा और इसका 3s लूंगा, ये ऐसा कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट लिखें, सेकेंड पॉइंट, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड हैव सेम सिमेट्री अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है मैं बता चुका हूं बीबीटी में। ये जो बोल रहा है, ये पॉइंट से हम यही समझेंगे, ये पॉइंट जो लिखे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव सिमेट्री अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो देखो, ये ऐसा ये पॉइंट बताना चाह रहा है कि पीएक्स का कॉम्बिनेशन पीएस के साथ ही होगा। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पीएक्स और पीवाई कंबाइन करेंगे, क्योंकि ये दोनों का जो अरेंजमेंट है आप देख रहे हो, इसका इसका हम डायग्राम बनाना चाहते हैं तो ऐसा कुछ होगा, ये पीएक्स और ये पीवाई है, इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ये बोल रहा है ना, हैव सेम सिमेट्री टुवर्ड्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के टुवर्ड्स क्या सेम सिमेट्री है? नहीं है ना। एक आपका एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स ओरिएंटेड है तो एक वाई एक्सिस के टुवर्ड्स ओरिएंटेड है, दोनों डिफरेंट एक्सिस के टुवर्ड्स ओरिएंटेड है, तो ये कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है। इसी तरह हम अगर करें पीएक्स का पीजेड के साथ कॉम्बिनेशन करें तो ये भी कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है। हमेशा पीएक्स पीएक्स, या ऐसा हो सकता है पीवाई पीवाई कंबाइन करे, ये हो सकता है पीजेड पीजेड कंबाइन करे, ये पॉसिबल अलाउड है, बट इस तरह का कॉम्बिनेशन करोगे तो ये गलत है। हाइब्रिडाइजेशन तो अलग कंसेप्ट है ना बच्चे, यहां पर तो देखो हाइब्रिडाइजेशन और इसमें फर्क पता चल रहा है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक ही एटम का डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते, बट इसमें क्या हो रहा है ना, दो डिफरेंट एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, ये डिफरेंस है। तो हाइब्रिडाइजेशन और इसके साथ लिंक मत करो, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि अगर ये जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स होना चाहिए, शुड हैव सेम सिमेट्री टूवर्ड्स द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मतलब पीएक्स का पीएक्स के साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है, ऐसा नहीं होगा पीएक्स का पीजेड के साथ होगा, ऐसा पीवाई पीजेड के साथ नहीं होगा। अगर इसका पीवाई है तो दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी पीवाई ही होना चाहिए, तभी आपस में कंबाइन करेगा। थर्ड पॉइंट लिखे लिखिए, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड ओवरलैप ओवरलैप एटॉमिक ऑर्बिटल शुड ओवरलैप इफेक्टिवली इफेक्टिवली फॉर द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ फॉर द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा कि ये जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इफेक्टिवली ओवरलैप करेगा, तभी मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो फॉर्म होंगे ना, वो प्रॉपर फॉर्मेशन उसका होगा। तो ये ध्यान रखना है कि इफेक्टिव ओवरलैपिंग होना चाहिए, तभी जाकर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होगा। दीज थ्री पॉइंट्स आर द कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिकुलर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखिए।
डिजिग्नेशन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल, डिजिग्नेशन, डिजिग्नेशन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल, डिजिग्नेशन। दो तरह के मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं, एक सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स और एक पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो पहले सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स क्या होता है इसको समझें। तो इसमें लिख लें पहले, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स विच इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये उसी तरह का है, दो तरह का बॉन्ड होता था, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड एक की तरह ही हो रहा है, विच इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इसमें देखो पहला तरह का ओवरलैपिंग पढ़ना है, दैट वन इज एसएस ओवरलैपिंग। देखो हम लोग को मॉलिकुलर ऑर्बिटल ओनली 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक ही पढ़ना है। 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब टिल, जैसे ये हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे और टिल नियॉन तक ही पढ़ना है, इतना ही हम लोग के सिलेबस में है। क्योंकि नियॉन तक मतलब समझ रहे हो, 20 इलेक्ट्रॉन कैसे बोल रहे हैं, एक नियॉन का, एक नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन तो दूसरे नियॉन में भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो सिर्फ हम लोग का 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक ही पढ़ना रहता है, इतना ही हम लोग के सिलेबस में है। तो सबसे पहले मैं एसएस ओवरलैपिंग की बात कर रहा हूं। तो एसएस ओवरलैपिंग में देखो पहले हम डीएमओ की बात कर रहा हूं कि देखो दो तरह का फॉर्म होगा, एक बीएमओ और एक एबीएमओ। तो पहला जो ओवरलैपिंग है देखो, ये एसएस ओवरलैपिंग में ये वन एस या टू एस, वन एस भी टू एस भी इसी तरह का होगा, टू एस इससे थोड़ा बड़ा होगा, दोनों का एक ही साथ पढ़ ले रहे हैं कि 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स और दूसरा है, ये BMO फॉर्म हो रहा है इसलिए प्लस लिख रहा हूं, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये भी 1s और ये 2s। ये दोनों जब आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेगा। वो कैसा बनेगा देखिए, ये कुछ ऐसा है। हम लोग देखो एक चीज यहां पर फिक्स कर लिएगा, ये जो जेड एक्सिस है ना यही आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ये चीज फिक्स है मॉलिकुलर ऑर्बिटल में, जेड एक्सिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को फिक्स कर दिया गया है। तो ये जो क्रॉसपॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं कुछ इस तरह का होंगे, देखिए ये वाला जो देख रहे हो ना, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन, ये जो देख रहे हो ना बीच में, ये क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका, ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो फॉर्म हुआ ना इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो ये जो इसका नाम हम लोग देंगे ना, दिस विल बी सिग्मा वन एस, क्योंकि ये एक्सियल ओवरलैपिंग से बना है, सिग्मा ओवरलैपिंग से बना है इसलिए इसको बोला सिग्मा वन एस। अगर 2s 2s कंबाइन होगा तो इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा 2s। देखो हम बीएमओ में एक पॉइंट लिखाए थे, बीएमओ में लिखाए थे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज इन बिटवीन द न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण यही हुआ कि अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रहता तो ये न्यूक्लियस आपस में इंट्रैक्शंस करता जिससे क्या होता, अनस्टेबल होता। बट अभी इस न्यूक्लियस को, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बीच में आने से क्या हो रहा, ये न्यूक्लियस आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, समझ रहे हो ना। तो ये बीएमओ, देखो दूसरा कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है, क्योंकि आपको मैं बताया था कि अगर मान लो कि 1s 1s दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करकर टू न्यू मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाते थे, याद करो एक होता था बीएमओ और दूसरा क्या होता था एबीएमओ। तो ये तो बीएमओ वाला हो गया, एबीएमओ वाला कैसे, ये तो आपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराया,
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला भी बनाता हूं, दैट इज एबीएमओ। सेकेंड एबीएमओ देखो कैसा इसका दिखेगा। ये 1s या 2s, देखो माइनस कर रहा हूं, माइनस मीन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये आपके एनसीईआरटी बुक में एक टेबल बनाकर दिया होगा, ये सब आप देख सकते हो वहां से, अगर एनसीईआरटी बुक है तो। ये 2s, ये 1s या 2s। माइनस मीन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो फाइनल मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होता है ये कुछ ऐसा फॉर्म हो जाता है। ये देखो यहाँ डिस्पर्स ऐसा हो जाता है कुछ। ये न्यूक्लियस एक का और एक दूसरा का न्यूक्लियस ऐसा कुछ। ये दूसरा का न्यूक्लियस समझो इसका। तो देखो अभी ये बीच में जो दिख रहा है, बीच में क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिनिमम है ना, जैसे इसमें मैक्सिमम था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें क्या देख रहे हो, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, सेंटर पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है, नहीं के बराबर है। इसलिए ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस आपस में क्या करेगा, इंट्रैक्शंस करेगा, जिससे क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा। देखो इसका ऐसा साइन दिया होगा, एक प्लस और एक माइनस। ये प्लस माइनस क्यों, क्योंकि यहां पर सबस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसलिए एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। हाँ इसका इसका नाम क्या देंगे, जो एबीएमओ होता है ना उसको स्टार से हम लोग देते हैं, दैट दिस इज सिग्मा स्टार 1s, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार 2s। स्टार मीन्स एंटी बॉन्डिंग, और सिंपल रहेगा तो बीएमओ। यहां पर लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मिनिमम है। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। यही सब तो खासियत है। बीएमओ में क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ता है, एबीएमओ में क्या हो रहा। हाँ ये एक चीज देख रहे हो, ये जो रीजन देख रहे हो ना, दिस इज द नोडल प्लेन। ये क्या है, नोडल प्लेन है, क्योंकि इस प्लेन पर इलेक्ट्रॉन्स पाने का प्रोबेबिलिटी जीरो है। ये जो प्लेन मेरा हाथ देख रहे हो ना, इस प्लेन पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इसलिए ये क्या है, नोडल प्लेन। मैं आपको बताया था कि एबीएमओ में जरूर एक ना एक नोडल प्लेन होगा। देखो है इसमें नोडल प्लेन, दूसरा है आपका दैट वन इज पीपी ओवरलैपिंग। एक देखो पीपी ओवरलैपिंग, हमको ये तो पता है कि जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो देखो हम लोग जानते हैं ये जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, अगर आप ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलाउ कराओगे तभी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। तो ये रहा आपका, ये रहा आपका पी जेड, पी जेड, ये दूसरा पी जेड, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये हम कह देता हूं, क्योंकि ये दिस वन इज टू पी, टू पी जेड, ये भी टू पी जेड, ये दोनों आपस में, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे। चलो साइन के लिए दे देता हूं ये प्लस, ये दिस इज द साइन ऑफ वेव फंक्शंस, क्योंकि हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम एक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका वेव फंक्शंस है, ये भी दूसरा का वेव फंक्शंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो प्लस प्लस ऐसा रहेगा, ये भी प्लस और ये माइनस। ये दोनों जब आपस में कंबाइन होंगे, ओवरलैप करेंगे, तो इस तरह का कुछ देखिए ये कुछ बन जाएगा। ये दोनों प्लस प्लस आपस में कंबाइन कर क्या होगा, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ इस तरह का। और ये क्या होगा, छोटा हो जाएगा। मतलब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो क्या हो गए, छोटा हो गए, और बीच वाला क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ये एक न्यूक्लियस, ये एक दूसरा न्यूक्लियस, देख रहे हो ये दूसरा न्यूक्लियस, और यहां पर क्या हो रहा है, ये रीजन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो गया। यही तो खासियत है बीएमओ का।
ये आपका बना बीएमओ, इसका नाम क्या होगा, सिग्मा 2PZ, ये यहां पर लिख लेना बीएमओ। हाँ ये देख रहे हो ना, ये सब क्या है, ये भी नोडल प्लेन है, एक तरह से देख सकते हो, ये भी नोडल प्लेन है। ये दोनों जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, नोडल प्लेन है। हम बोले थे बीएमओ में नोडल प्लेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे इसमें देखो नोडल प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये 2PZ, 2PZ जैसे अभी एडिशन हो रहा है, ये प्लस यहां पर एडिशन हो रहा है, इसी तरह ये दोनों सब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है। एबीएमओ जिससे फॉर्म होगा, तो देखो एबीएमओ बना रहा हूं इसका। सब्सट्रैक्शन कर दो, यहां पर क्या करना है, चेंज करना है, इतना फिर से बनाओ आप, ये वाला फिर से बनाओ एबीएमओ में। हम ओनली माइनस बीस में कर देना सब्सट्रैक्शन, बट वो वाला चेंज करूंगा मैं। जब सब्सट्रैक्शन होगा तो ये वाला बीच वाला क्या होगा, छोटा हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से। और ये सब एज इट इज रहेंगे। ये जो आप देख रहे हो, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम हो चुका है, ये इसका न्यूक्लियस, दूसरा का न्यूक्लियस मिनिमम हो चुका है। यहाँ पर साइन कुछ ऐसा होता है, देखिए ये माइनस, ये प्लस, और उधर माइनस प्लस, ऐसा हो, इधर माइनस ही था ना। रुक जा रुक जा, इसको थोड़ा सा चेंज करो, इधर माइनस था तो माइनस ही रहेगा, और फिर उसके बाद अल्टरनेटिवली अरेंज करते जाओ, माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। इसका नाम क्या होगा, हम लोग बोलेंगे दिस विल बी सिग्मा स्टार 2PZ। ये जो देख रहे हो, ये इसका क्या है, नोडल प्लेन है भी है, ये जो देख रहे हो दिस वन इज नोडल प्लेन। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम हो चुका है, इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए इसमें ज्यादा रिपल्सन्स होगा, ये लेस स्टेबल्स होगा। देखो अभी तक हमने क्या क्या किया, देखो अभी तक क्या क्या किया मैं बता दे रहा हूं। ये वन एस, फिर उसके बाद आगे बताने के पहले समझ लो, अगर वन एस और एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स वन एस दूसरे वन एस के साथ कंबाइन कर दो तरह का मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाएगा, ये बनाएगा बीएमओ और एक बनाएगा एबीएमओ। इसका कुछ नाम था सिग्मा वन एस या सिग्मा टू वन एस, सिग्मा स्टार वन एस। देखो ये एनर्जी एक्सिस है, ऐसा मान लो, इसी तरह टू एस और दूसरा का टू एस, ये दोनों आपस में कंबाइन करेगा, एक बनाएगा बीएमओ। बीएमओ का कम एनर्जी होता है, एबीएमओ का ज्यादा एनर्जी होता है, बीएमओ इज मोर स्टेबल, एबीएमओ इज लेस स्टेबल। इसका नाम क्या होगा, सिग्मा टू एस, और ये दोनों आपस में अगर सिग्मा स्टार टू एस। इसी तरह ये भी मत बताया, क्योंकि जेड एक्सिस मेरा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो एक का 2PZ, एक का 2PZ, ये 2PZ, 2PX 2PY नहीं, 2PX 2PY में लेटरल ओवरलैपिंग, पाई पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेगा, क्योंकि जेड एक्सिस मेरा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस था, इसलिए इससे क्या बन रहा है, सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। दूसरा का भी क्या, 2PZ, ये दोनों आपस में कंबाइन करेगा, एक तो एबीएमओ बना, उसका नाम क्या था, दैट इज सिग्मा स्टार 2PZ, और बीएमओ वाला जब बनेगा उसका नाम क्या था, दैट इज सिग्मा 2PZ। ये अभी तक इतना बात हो गई है।
इसको आप बना ले रफ में, फिर उसके बाद हम मैं जाऊंगा पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स के ऊपर। दूसरा तरह का मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो होता है दैट वन इज पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। जैसे पाई बॉन्ड वहां पर फॉर्म होता था, यहां पर पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो यहां पर इसमें लिख लें मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स विच आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एवव एंड बिलो, एवव एंड बिलो। यही सेम टर्म हम लिखाया था जब मैं आपको लेटरल ओवरलैपिंग पढ़ा रहा था, एवव एंड बिलो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, एवव एंड बिलो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज नोन एज एज पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। वहां पर अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, यहां पर एवव एंड बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो देखो इसमें पहले हम बीएमओ बना रहा हूं, ये तो हमको पता है, ये हम लोग का इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है जेड एक्सिस, ये मेरा है देखो, ये या तो पी एक्स टू पी एक्स या तो टू पी वाई, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जेड एक्सिस तो मेरा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, उसे तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो चुका। दूसरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो प्लस करना पड़ेगा, ये या तो टू पी एक्स या तो टू पी वाई, ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे तो इस तरह का रीजंस क्या होता है, ये इस तरह का देखो रीजंस आ जाता है, ये प्लस वाला आपस में कंबाइन कर कर ऐसा कुछ हो गया, और ये माइनस वाला भी कंस्ट्रक्टिव एडिशंस कर कर कुछ ऐसा हो गया। और ये जो बीच एक्स, ये जो जेड एक्सिस देख रहे हो ना, ये जो जेड एक्सिस है यही इसका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस भी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस तो है ही, ये तो जेड एक्सिस तो लिख ही दिया, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। साथ ही साथ ये जेड एक्सिस भी क्या देख रहे हो, जेड एक्सिस आपका नोडल प्लेन भी है, ये जो बनेगा उसका नाम होगा देखिए दैट वन इज पाई टू पी एक्स या पाई टू पी वाई एलोंग द एक्सिस। यहां पर क्या हो रहा है, एबव एंड बिलो ओवरलैपिंग हो रहा है, इसलिए क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है, पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बन रहा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बन रहा है इसलिए इसको क्या बोला, ओनली पाई बोला, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता तो पाई स्टार हो जाता, जो कि अभी बनाऊंगा मैं, चलो इसको बना लीजिए। यहां पर अभी एबीएमओ बनाए आप, एबीएमओ, एबीएमओ में क्या करूंगा, सेम यहां पर बीच में माइनस कर दूंगा, और अभी क्या होगा इसमें चेंजेस आ जाएगा, ये जो फाइनल बनेगा। फाइनल जो बनता है कुछ ऐसा देखिए, ये तो आपका जेड एक्सिस है ही, जेड एक्सिस जो कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ये क्या होता है ना डिस्पर्स हो जाता है, बीच में डिस्पर्स हो जाता है, ऐसा इस तरह का डिस्पर्शन हो जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, इसमें चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है ना ऐसे डिस्पर्स हो जाते हैं, ये साइन देख लीजिए प्लस माइनस ऐसा कुछ। ये जो रीजन देख रहे हो, ये जो रीजन देख रहे हो ये एक नोडल प्लेन है, और ये भी जो रीजन देख रहे हो ये भी इसमें नोडल प्लेन है, ये भी नोडल प्लेन है, और इसमें देख रहे हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में नहीं के बराबर है, इसलिए ये क्या होगा, ये एबीएमओ होगा, लेस स्टेबल्स होगा, मोर एनर्जी होगा, दिस वन इसका नाम क्या होगा, दिस वन इज पाई स्टार टू पी एक्स और या पाई स्टार टू पी वाई।
चलो ये खत्म हो गया, उसके बाद लिखिए आप नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। ये सभी डायग्राम देकर पूछ लेते हैं कि कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, चार डायग्राम दे देगा ऐसे बनाकर और आपसे पूछेगा कि सही कौन है। देखो आपको मैं, अगर याद हो तो मैं एक पॉइंट लिखाया था कहीं पर, ये जो मॉलिकुलर कॉन्फिगरेशंस होते हैं ना, ये सब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होते हैं। हाँ ये भी पॉलीज रूल, अफवा रूल्स, हुंड्स रूल को फॉलो करते हैं, बट इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है विच इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसा होता है ये उसके, यही नेक्स्ट टॉपिक है। दैट वन इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मॉलिकुलर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। देखो इसमें दो केस बना रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं याद रखोगे तो आपसे एक भी आगे कॉन्फिगरेशन लिख नहीं पाओगे, तो इसलिए दोनों समझ लो, इसको दो केस में हम बांट रहे हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, खाली ओनली थोड़ा सा चेंज है। देखो पहला केस है अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, क्योंकि हमको बता चुके हैं कि 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक ही पढ़ना है, ये 14 इलेक्ट्रॉन तक का एक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा 15 से 20 तक का दूसरा कॉन्फ़िगरेशन, ये अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, या हम लोग इसमें बोल सकते हैं ऐसे भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा दैट इज एनी जो होगा दैट इज लेस देन इक्वल टू 14 के लिए बात कर रहे हैं। इसमें कॉन्फ़िगरेशंस, इसमें क्या होगा, दिस इज फ्रॉम 15 टू 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, या हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा इसमें 15 से बड़ा और 20 से कम, मैथमेटिकल टर्म्स थोड़ा उस टर्म्स में लिख दिए। देखो सबसे पहले सबसे लोअर एनर्जी जो होगा सिग्मा वन एस का होगा, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार वन एस, क्योंकि आपको पता है पहले एक का सिग्मा एस दूसरा का सिग्मा एस कंबाइन करेगा, दो तरह का मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाएगा, इसका सबसे लोअर एनर्जी, इससे इसका ज्यादा एनर्जी, क्योंकि ये बीएमओ है और एबीएमओ है, फिर उसके बाद सिग्मा टू एस, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार टू एस। चलो यहां पर भी इतना तक सेम चलता है, इसको ऐसे पेयर कर देता हूं आपको समझने के लिए, ऐसे इससे ज्यादा एनर्जी इसका, इसका फिर इसका, यहां पर भी सेम सिनारियो, यहां तक तो कोई चेंज नहीं है। फिर अभी यहां पर चेंजेस आने वाला है, क्या चेंजेस आने वाला है, एक तो फिक्स है कि देखो हम लोग, देखो ये 1s 1s का तो डिसाइड हो गया, 2s 2s का तो डिसाइड हो गया, आप p का डिसाइड करने वाले हैं, p का, p में आपको पता है तीन ऑर्बिटल्स होते हैं px py pz, यहां पर भी px py pz, और हम जानते हैं ये दोनों से सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनता है, और ये सबसे पाई बनता है, इसमें भी मतलब टोटल 6 पेयर होने वाला है, 3 bmo और 3 abmo, 3 bmo में भी, 3 bmo में भी एक सिग्मा 2pz और 2 pi 2px और pi 2py होने वाला है ना, तो हम जानते हैं बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्या होता है, कम होता है, सॉरी स्टेबिलिटी, एनर्जी कम होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, और एबीएमओ का ज्यादा होता है, तो एबीएमओ जो है ना वो तो लास्ट में आएगा ही, ये जो एबीएमओ का है ये लास्ट में आएगा ही, इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले यहां पर डिसीजन लीजिए, यहां पर चेंजेस आता है, चेंजेस क्या आता है, अगर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला में है तो ये जो सिग्मा 2pz है ना ये थोड़ा यहां चल जाता है, और उसके पहले pi 2px आता है और pi 2py आता है, ऐसा कुछ है सिनारी। देखो ये सब बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स है, ये सब क्या है, ये सब बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं, यही चेंजेस आपको दिखेगा आपको, उसके बाद सेम सिनारियो pi 2px star pi 2py, यहां पर स्टार है सब,
और फिर आपका लास्ट में सिग्मा स्टार 2PZ। यहां पर देखो क्या होगा, ये वाला जो है ना उठकर पहले आ जाता है, इतना ही चेंज दिखेगा, ये वाला पहले आ जाता है और ये बाद में आता है। मतलब यहां पर देखोगे सिग्मा 2PZ और पाई 2PX, पाई 2PY, और उसके बाद तो सेम ही रहता है। इसको 3 4 बार लिखोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशंस है। ये चेंज यहां पर ये है, इसमें ये पहले, इसमें ये बाद में है और इसमें पहले है। इसका साइंटिस्ट लोग ने रीजन ढूंढने की कोशिश किया, तो इसका रीजन ढूंढ कर आया कि दैट इज एसपी मिक्सिंग। एक टर्म होता है एसपी मिक्सिंग। एसपी मिक्सिंग क्या होता है उसके अंदर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये रिक्वायर्ड भी नहीं है। एसपी मिक्सिंग में क्या होता है ना, ये जो अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, ऐसा कुछ समझ लीजिए आप, एस और पी का एनर्जी क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। इसके कारण इन दोनों का मिक्सिंग होता है। मिक्सिंग हो जाने से, मिक्सिंग होने से क्या होता है, सिग्मा 2PZ का एनर्जी क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, इतना समझ सकते हैं। ऐसे तो देखो इन नॉर्मल होना चाहिए सिग्मा 2PZ। हम लोग जानते हैं ये जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं स्ट्रॉन्गर होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। इन जनरल हम लोग का अगर कन्वेंशन देखा जाए तो सिग्मा 2PZ पहले आना चाहिए, इसका एनर्जी कम होना चाहिए, ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड का कम एनर्जी, सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स का कम एनर्जी होता है, इसका ज्यादा एनर्जी होता है। बट यहां पर ऐसा चेंज क्यों आ गया, उसका रीजन है एसपी मिक्सिंग। एसपी मिक्सिंग के कारण क्या होता है, एसपी मिक्सिंग कारण क्या होता है, सिग्मा 2PZ अनस्टेबलाइज हो जाता है, उसका एनर्जी बढ़ जाता है। इतना ध्यान रखे, उसके अंदर आप ज्यादा नहीं जाऊंगा। चलो ये दोनों याद रखना है, चेंजेस क्या है मैं बता चुका हूं, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो इसका थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। डायग्राम भी आपको कॉन्फ़िगरेशंस में बहुत हद तक समझने में हेल्प करेगा। देखो पहला डायग्राम जो बना रहा हूं दैट इज अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और दूसरा है दैट इज फ्रॉम 15 टू 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये रहा आपका एनर्जी एक्सिस, ये क्या है, एनर्जी एक्सिस है। देखो इसमें कैसे बनाऊंगा, ये है 1s, पहले 1s, एक का 1s और दूसरा का 1s कंबाइन किया, दो तरह का मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाया, एक को बोलेंगे सिग्मा 1s और दिस वन इज सिग्मा स्टार 1s। इसी तरह 1s से थोड़ा ज्यादा एनर्जी 2s का, फिर 2s 2s कंबाइन करना शुरू किए, एक बनाए सिग्मा 2s और दिस वन इज सिग्मा स्टार 2s। अब ये देखिए यहां पर p है, ये समझ लो 2p, 2p में भी ये px, एक py और एक pz। ये दूसरा दूसरा एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओवरऑल 2p ये कंबाइन करेगा, तो देखो यहां पर चेंजेस आएगा, चेंजेस आएगा। ऊपर सेम है, ऊपर ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर दो डब्बा बनाओ, इस तरह का सिनारियो, ऊपर में कोई चेंज नहीं है। ये आप देख रहे हो, ये पाई 2px, पाई स्टार 2px और ये पाई 2py, और ये है आपका सिग्मा स्टार 2pz। ऊपर कोई चेंजेस नहीं है, नीचे नीचे में चेंज आएगा, यहां पर भी चेंज आएगा और यहां पर भी चेंज आएगा, क्योंकि देखो यही यही तो है, यहां पर ही तो चेंज आएगा।
यहां पर पहले क्या होगा, पहले दो डब्बा, पहले नीचे वाला में अगर 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पहले बना बना रहे, तो नीचे पहले दो डब्बा बनाना और फिर उसके बाद ऊपर एक डब्बा, इस तरह से। इसका नाम अगर लिखना चाहते हो तो ये क्या है, π2πx, π2πy, ये दोनों इक्वल क्यों लिखता हूं समझते हो ना, इन दोनों का एनर्जी सेम है। यहां पर आपको हुंस रूल को अप्लाई करना पड़ेगा, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ोगे उसके बाद पेयरिंग करोगे, सो ऑन, इसलिए इक्वल लिखता हूं, इन दोनों का एनर्जी सेम है। हुंस रूल, पहले सेम स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन भरो फिर पेयरिंग करोगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज σ2πz। इसी तरह ये वाला आप खुद से बनाओ, ये आपका एनर्जी एक्सिस, यहां तक तो आप कॉपी करो, ये वाला कॉपी करो, यहां पर मैं बना देता हूं ऊपर वाला के लिए, यहां चेंजेस होगा ओनली, यहां पर अभी आप पूरा बनाओ, मैं ऊपर में जो चेंज आएगा वो बना दे रहा हूं। ऊपर में तो कोई चेंजेस नहीं है, यहां पर दो डब्बा एक डब्बा, यहां पर चेंजेस आएगा, पहले ये एक डब्बा वाला आ जाएगा और फिर दो डब्बा वाला आ जाएगा। ये σ2πz, ये π2πx, π2πy, ये π*2πx, π*2πy और ये σ*2πz। नहीं, ये दोनों एज इट इज कॉपी कीजिए यहां पर, लिख लिए। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अब एग्जाम्पल उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखे बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट, अगर ये कॉन्फिगरेशन लिखना आता है उसके बाद किस किस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग देखेंगे। आप लोग क्वेश्चन बनाना शुरू किए हो या नहीं? अब तो क्वेश्चंस बहुत बनना चाहिए क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग का ऑलमोस्ट पास्ट पार्ट ओवर हो गया है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशंस, VSEPR थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो भी आपका आयनिक आयनिक बॉन्ड रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी अब ऑलमोस्ट बनना शुरू हो जाएगा, थ्योरी ओवर हो गया, अब ओनली एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना है, तो आपको आप केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चंस बनना चाहिए। उसके बाद देखें मैं बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक चीज मैं बता दूं, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप नीट का जो रेस होता है ना उससे बाहर हो, क्योंकि हम तो बहुत सारा थ्योरी पढ़ा दिए, अगर आप क्वेश्चंस नहीं पढ़ाओगे तो ये सब बनाओगे तो ये सब थ्योरी दिमाग में नहीं रहेगा, एग्जाम्पल ही प्रैक्टिस करके ये सब कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा सकते हो, तो आपको क्वेश्चंस बनाना है, नहीं बनाओगे तो आप नीट का जो रेस होता है, नीट का जो रियल कॉम्पिटिशन होता है उससे बाहर हो, मतलब ऐसा ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप से धोखा दे रहे हो और क्वेश्चंस नहीं बनाओगे, तो क्वेश्चंस बनाना मस्ट कंपलसरी है, उसके लिए आपको बुक होना चाहिए, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग के पास जो हार्ड कॉपी हार्ड बुक होना जरूरी है, क्योंकि
अगर हार्ड बुक नहीं रहता है तो पढ़ने में वो फीलिंग्स नहीं आता है। तो आप लोग जल्द से जल्द हो सकता है हार्ड बुक यहाँ से आकर इशू करा लें, उनके लिए वहां पर ऑफिस वगैरह से बात करें। पीडीएफ से काम नहीं चला चलेगा, उससे आप कैसे, जैसे होता है ना, ये क्वेश्चन मान लो कि क्वेश्चन नंबर 10 हमसे नहीं बन रहा है तो बुक में होगा तो वहां पर कुछ पॉइंट लिख लेंगे, पीडीएफ में क्या करोगे? चलो एक दिन एक दिन एक दिन बनाए, एक दिन याद रखोगे, क्योंकि उस एक बार तो बनाने से नहीं होगा, उसको बाद में भी आपको रिफर करना है। तो उसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि हर एक के पास बुक होना चाहिए हार्ड कॉपी, ताकि आप उसको बनाए, वहां पर कुछ पॉइंट लिखें, एक बार में कौन कौन क्वेश्चन बन गया, दूसरा बार के लिए किस कौन कौन क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि एट ए लास्ट टाइम रिविजन पर हर एक क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को प्रैक्टिस करना है। तो उसको आप टिक मार्क कर रखोगे, उसको आप सर्कल कर कर रखोगे, तभी तो फ्यूचर्स में आप प्रैक्टिस करोगे। तो बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स में देखो, सब सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।
हाँ आप सुनाई दे रहा है? हाँ सर, यस सर। चलो लिख लिए ना। तो ये अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आता है तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स का मेनली देखोगे बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल में आएगा। इसी तरह अगला देख, अगला पॉइंट ध्यान रखना। अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका जीरो आ जाता है तो मॉलिक्यूल्स आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखना कि मॉलिक्यूल्स विल नॉट एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं डीएनए, डू नॉट एग्जिस्ट। डीएनए लिखा करूंगा मैं, डू नॉट एग्जिस्ट। देखो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर ये भी कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है बट कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो ये बॉन्ड ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल बट कैन नॉट बी निगेटिव, ये निगेटिव नहीं हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग आगे इसको और कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बहुत हो गया, ये थ्योरी पढ़कर आओगे तभी क्या होगा, क्वेश्चंस आपसे बनेगा अगले क्लास में, नहीं तो लगेगा अगले क्लास की हम क्या कर रहे हैं आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो थ्योरी कॉन्फ़िगरेशन ये सब वगैरह याद होना चाहिए तभी अगले क्लास आपके लिए इफेक्टिव है, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाला है और मैं हेल्प भी नहीं कर पाऊंगा, मैं डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। थैंक यू सर। देखो हाँ शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, बट अगर आपको पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक डिसाइड करना है उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना ही पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। हाँ शॉर्टकट तरीका है, बहुत सारा शॉर्टकट तरीका है, बट अगर आपको पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक डिसाइड करना है तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखे, क्योंकि गलती इसमें होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहता है।